देखिए हुकूमत के लिए, देखिए हुकूमत एग्जीक्यूटिव उसके बाद जुडिशरी पुलिसिंग अपनी ये काम करती है, मगर यहाँ पर हर स्टेक होल्डर को एक्टिव, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हम ऐसा लगता है कि हम एक वॉर जोन में बैठे हुए हैं और हर रोज जो है हम लाशें भी उठा रहे हैं, हर रोज हमारे पास हमारे पास इस तरह की बत्तखोरी और इस तरह जो दस्ती बम का अभी जो एक दो वाकयात हुए हैं उसके अलावा इस तरह के जो हमारे पास अगवा बराए तवान के उनके केसेस की रिपोर्टिंग होती है, तो ये इन चीजों से निकलने के लिए जाहिर है हमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सारे के सारे उनको एक्टिव होना होगा। कानून साजी एक बुनियाद है जिसको हमने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है। अच्छा चलिए मैं कानून साजी से आगे चलता हूँ। रमजान जो तमाम दुनिया में रहमत का महीना होता है, कराची में वो एक अजाब साथ लेके आता है बदनसीबी से। रमजान दो दिन तीन दिन बाद शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है मेमन साहब अभी से अगर ये आलम है कि लोग खुले आम अपने नंबरों से खुद आके पैसे मांग के और गाड़ियां रोक के बंदूकें दिखा के कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, और इसका मैं कहीं सुनी पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे अपने एक अजीज के साथ तीन दिन पहले ये हुआ तो मुझे हकीकतन पता है, अगर क्राइम का आलम यह है कि सड़कों पर रोक के औरतों को अगवा करने की कोशिश की जा रही है या उनसे कुछ कार स्नैचिंग कोशिश की जा रही है, इसका भी मैं डायरेक्ट गवाही दे रहा हूँ कि मेरी अपनी फैमिली के साथ दो दिन पहले ये हुआ है, तो ऐसी सूरत में मेमन साहब क्या इरादा है गवर्नमेंट का? ये अदलिया ये कानून साजी तो होती रहेगी लेकिन जनरल क्राइम जहाँ पे कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है क्राइम जिसका जो जी में आता कर रहा है उसके बारे में रोशनी डालिए, इरादा क्या है अगले 5 हफ्ते का? देखिए ये तो जो हमारा जो कंटिन्जेंसी प्लान रमजान का होता है उधर है वो एक प्लान जो है उसको हम सारे सिक्योरिटीज जो है सिचुएशन के हिसाब से सिक्योरिटी बीफअप की जाती है। ये मैं आपको बता दूं पुलिस की प्रेजेंस रेजेंस की प्रेजेंस जो है मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ जाहिर है ये जाहिर आपको पता है कि तलावियाँ भी होती हैं और आपको ये भी पता है कि शॉपिंग सेंटर्स में लोग जो आना शुरू हो जाते हैं, तो इन सब जगहों के ऊपर जो है पुलिस ने अपनी जाहिर चौकियाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो जो पर्चियाँ और भत्ते और धमकियाँ और दस्ती बम उसका इमीडिएट रेमेडी क्या है? देखें इसका जो है ऑलरेडी मैं आपको सही बताऊं कि जो हमारी जो पुलिस है उन्होंने अपनी हमारी इंटेलिजेंस जो है खास तौर पर जो हमें सपोर्ट मिलती है और उसके साथ साथ जो पुलिस की अपनी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है पुलिस और रेंजर्स ने इन्होंने अपनी इस इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन किया हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप ये जो जो टारगेट किलर जो है खास तौर पर उसको जो उठाया जा रहा है उनको जो है हमने एप्रिहेंड करना शुरू किया है। मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल आपसे कोई वादा नहीं करता हूँ, मगर ये मैं आपको बताऊं कि पुलिस जो है प्रोएक्टिव काम कर रही है। ये सारी चीजें जो है ये आप समझते हैं कि हमारी जो हमारे इदारे जो हैं पुलिस है जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है, होम डिपार्टमेंट है, हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। हमने जो जितने आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें सियासी जमाते हैं ये ऑन बोर्ड हैं, हमारी जितनी हमारे सीएम साहब हमारे गवर्नर साहब जा रहे हैं इनकी जो इनकी सरपरस्ती में इनकी वो हम इतनी सारी हमारी जो प्लान ऑफ एक्शन है जाहिर है वो सारे के सारे जो हमारी हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो सारे के सारे ऑन बोर्ड है और हमारी पूरी कोशिश है। जैसे आपने शुरू में कहा जैसे मैंने कहा कि इसमें जाहिर है आप वो जो एनिमी है और जो वो अनासर जिनकी पूरी कोशिश है कि कराची शहर को डिस्टर्ब किया जाए, और जाहिर है उसके ये तो बेसिक बात है सबको पता है कि यहाँ जो डिस्टर्बेंस होती है उसके असरात जो है पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके रमजान के हवाले से जाहिर है हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो है वो हमने बीफअप की है और उसके साथ साथ हमने वो स्टेप्स लिए हैं ताकि हम इन खासतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम है उसके साथ साथ जो है जैसे आपने कहा कि पर्चियां हैं और जो छीना चिपटी होती है पूरी हमारी कोशिश है कि प्रेजेंस पुलिस की प्रेजेंस को बढ़ाया जाएगा और उन स्पॉट पर उनको खड़ा किया जाएगा जहां पर हमारे पास इस तरह के वाकयात की कंप्लेंट आएंगी। साहब मेरा वो एक सवाल रह गया कि इमीडिएटली जिन लोगों के पास खुलेआम घरों पर फायरिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास डायरेक्ट लोग आके पैसे मांग रहे हैं, ओपन थ्रेट्स हैं, खुले फोनों से थ्रेट्स आ रहे हैं, जो दुकानदारों के पास पर्चियां खुली आ रही हैं और दिन दहाड़े बंदूकें दिखा के उनको रोका जा रहा है, मैं डायरेक्ट आपको उसकी गवाही दे रहा हूं कैसा हो रहा है, उसके लिए तो बड़ा सीधा सीधा ऑन कैमरा कोई गवाही भी आपको नहीं चाहिए, जरा सी अकल के साथ एक आदमी सादे कपड़े बैठ गया तो पकड़ लेगा उसको। उसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा हो रहा है जहाँ जहाँ जो भी शख्स किसी भी तबके का हो, ताजिर बरादरी का हो या आम शहरी जो हमारे पास पहुंच रहा है। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि ये जो हमारे खासतौर पर ताजिर बरादरी जो है वो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद उनको उनको बिलोंग करता हूँ, मगर पॉइंट ये है कि हम
आके बात जरूर करते हैं, मगर जब आता है FIR रजिस्टर्ड कराने की बात आती है, कंप्लेन रजिस्टर्ड कराने की बात आती है, तो बहुत कम जो है लोग सामने आके करते हैं। तो ये मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के थ्रू। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जहाँ आपके बस में ये नहीं है कि आप प्रॉपर केस बना के प्रोसिक्यूट करके उसको सजा दिलवा सकें, वहाँ ये कैसे तवक्को कर रहे हैं कि एक आम निहत्ता शहरी जो है वो अपने आप को यूँ फंसाए। जहाँ तक मेरे ख्याल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरली अगर गवर्नमेंट खुद FIR काट के लोगों को पकड़ ले तो बेहतर ना होगा? देखिए स्टेट जो है वो ना करने वाली बात है ना। बिल्कुल, देखिए ना 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 ऐसा नहीं है। देखिए फैसल, बात ये होती है कि जो जो अगर जो स्टेट की तरफ से जाहिर है एक हमारे पास जो जो विटनेसेस नहीं होते हैं, हम वहां पर FIR अगर रजिस्टर्ड भी डायरेक्ट करते हैं, कंप्लेन तो हमारे पास दर्ज हो जाती है, पुलिस एक्शन करती है, सारा कुछ करती है, मगर वो नामालूम अफराद के खिलाफ होती है और उनके वहां पर हमें 100% जो है वो वहां पर हमें वो चाहिए होता है, कंप्लेनेंट जो है इंडिपेंडेंट कंप्लेनेंट जो रंगे जो शख्स रंगे हाथों स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाए उसके लिए क्या FIR चाहिए आपको? उसके लिए FIR बिल्कुल चाहिए, उसके लिए बिल्कुल विटनेस चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं सर, खासतौर पे आप बात ये कर रहे हैं कि जब एक आदमी पकड़ा जाता है रेड हैंडेड, उसके लिए भी हमें FIR चाहिए ताकि उसको प्रोसिक्यूट करें। देखें उसका उसका जो राइट है वो क्रिमिनल अपनी जगह पर हो, मगर उसको कानूनी जो राइट है। साहब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि राह चलता अगर एक शख्स असलाह लेके घूम रहा है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो कुछ नहीं कर सकती ताकि तबकते के मैं जाके FIR ना काटूं उसकी? 13D में उसको बंद कर दिया जाता है, 13D में फौरन उसको बंद किया जाए, मगर अगर उसने कोई कोई जुर्म किया है, उसने कोई उसके हथियार के साथ गैर कानूनी, मैं मिसाल के तौर पर गैर कानूनी असलाह है उसके पास, गैर कानूनी, तो फिर तो वो सेक्शन है उसको वहां पर उस चीज में अरेस्ट होता है। यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक शख्स एट लार्ज भत्ते ले रहा है और आपने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। देखें बात सुने फैसल, यहाँ पर मेरे ख्याल में हम एक ऐसी बात करें जो कि आम तौर पर देखें मैसेज जाना चाहिए। एक तो हमें जो है देखें हमें जो है ये वेपन फ्री सोसाइटी की बात करनी चाहिए और हम एज अ कॉमन सिटीजन की बात करें कि मेरे ख्याल में ये जो असले की नुमाइश एक तो ये बंद होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें डेफिनेटली देखें हमें जीरो टॉलरेंस पे काम करना होगा और हमें इन चीजों को काबू में लाने के लिए किसी को भी नहीं बख्शना होगा कि कोई भी अगर इस तरह गैर कानूनी असला बगैर लाइसेंस के असला जो है उसने अगर उसके पास पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और किसी को भी मेरे ख्याल में इसको बड़ी जमानी होना चाहिए। इसमें हर एक जो है इसमें जिम्मेदार होना चाहिए और मेरे ख्याल में जिम्मेदारी जो है वो हर स्टेक होल्डर यहाँ जो 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 हमारे हमारे हुकूमत में लोग हैं सबकी मेरे ख्याल में जिम्मेदारी ये बनती है कि हमने जीरो टॉलरेंस पे काम करना है और वेपन फ्री सोसाइटी की तरफ मेरे ख्याल में ले जाना होगा। तो मेहमान साहब फिर सारी बातों की बात ये रही कि इस रमजान में जो मुझे तकरीबन अंदाजा हो रहा है क्या होने वाला है उसमें कोई रिलीफ आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी? नहीं, आपने मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल गलत आपने मिसकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपसे पहले कहा था कि सिक्योरिटी जो है वो हम लोग हमारी जो पुलिस और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिसमें रेंजर्स भी शामिल है वो हाई अलर्ट पर होंगे रमजान में, सिक्योरिटी बीफ अप कर दी जाएगी, नंबर ऑफ पुलिसमैन जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। ये वो सिक्योरिटी बेसिक सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हमने लिए। उसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्किंग उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी हमने इस पे काम शुरू कर दिया है कि यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है इन जराइम पेशा लोगों को उठाया जा रहा है। तो अब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो मे बी हम मीडिया के ऊपर नहीं शेयर कर सकते मगर इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। तो ये कह जाना कि रमजान में बिल्कुल खुली छूट होगी जराइम पेशा मैं नहीं समझता हूँ। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी वार्निंग उनके लिए है कि दे विल बी कॉट अगर हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन अपनी आती रहेगी और कंप्लेन की सूरत में भी आएगी तो हम फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। अल्लाह आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया शफीक मेहमद साहब बात करने के लिए। हम दुआगो हैं, अल्लाह करे कि अमन अमान रहे, हर कोई अपने हिफ्ज़ अमान में रहे। अपना ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए, खाली सरकार के सहारे ना चलें क्योंकि सरकार ना जाने मजबूर है, ना जाने मुलजिम है, ना जाने मुजरिम है। क्या ये लैक ऑफ गवर्नेंस है, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये साजिश है। ये साजिश कर कौन रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन साजिश का हाथ है मेरी गर्दन पर और आपकी गर्दन पर। अपनी गर्दनों को बचाइए, दुआ गो रहिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।